हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉन टिकिन्स। सो आज का मेरा वीडियो है हाउ यू कैन डू ए मेकअप विथ ओनली बेसिक थिंग्स। एक्चुअली वन ऑफ माय सब्सक्राइबर हैज लाइक कमेंटेड मी कि प्लीज़ डू ए वीडियो फॉर मेकअप विद द बेसिक थिंग्स। सो हियर आई एम विद दैट वीडियो एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी एंड या लेट्स गेट इन द वीडियो। सो मैं अभी पहले फेस वॉश कर ली हूँ एंड मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं आइस क्यूब अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी, बिकॉज आइस क्यूब अप्लाई करने से ये बहुत अच्छा है आइस क्यूब से आप मसाज करें तो। एंड आई प्रिफर कि आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करें, बिकॉज कैपिलरीज एंड बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं जिसको बहुत इफेक्ट हो सकता है। सो आई प्रिफर टू लाइक एक कॉटन फैब्रिक में डाल के मैं अपने फेस को मसाज करूँगी। इससे क्या होगा कि मेरा फेस मसाज हो जाएगा एंड जो भी मैं अपना मेकअप जो भी मेकअप अप्लाई करूँगी वो बहुत देर तक रहेगा, मेकअप को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। सो टेक आइस क्यूब एंड पुटिंग इट ऑन फैब्रिक एंड ऐसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप देख सकते हो, एंड इसको मैं अच्छा से मसाज कर लूँगी। एंड प्लीज़ डायरेक्ट नहीं लगाए आइस क्यूब को। सो एज आई सेड दिस मेकअप इज़ ऑल अबाउट द बेसिक लाइक बेसिक थिंग्स के साथ आप कैसे मेकअप कर सकते हो। सो हियर आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी प्राइमर बिकॉज ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स। सो इंस्टेड ऑफ प्राइमर आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल एंड सो आई एम पुटिंग एलोवेरा जेल ऑल अराउंड माई फेस। एंड मैं इसको ना अच्छे से ना टैप कर लूँगी, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे स्क्रब करना है, मुझे इसको अच्छे से टैप करना है। एंड रिपीट ऑन नेक बिकॉज नेक इज ऑल्सो योर बॉडी पार्ट। कर ली हूँ, यू कैन सी मैं अच्छे से इसको टैप कर ली हूँ। सो माई नेक्स्ट स्टेप इज आई विल अप्लाई लैक्मे फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन। एंड आपका लाइक योर विश, आप जो भी फाउंडेशन यूज कर सकते हो, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस, बट आई एम गोइंग विद लैक्मे। मैं इस पार्ट में फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी एंड ऑल्सो इस पार्ट में, ताकि यू नो कंटूर का वो शेप आ जाए। एंड देन यू कैन सी दैट आई ऑलरेडी अप्लाई लैक्मे फाउंडेशन। नाउ इसको मैं ब्लेंडर के साथ अच्छा से मैं ब्लेंड कर लूँगी। यू कैन सी मैं लैक्मे फाउंडेशन अप्लाई कर चुकी हूँ, बट मैंने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट यू कैन यूज़ मोर। एंड वन थिंग है कि आपको अच्छा से ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना ही पड़ेगा, वरना पैचेस जैसा अजीब सा बहुत लाइक अच्छा नहीं लगेगा। सो आपको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा। सो अभी मैं फाउंडेशन अप्लाई कर चुकी हूँ। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं अभी कंपैक्ट पाउडर अप्लाई करूँगी, वो भी मैं लैक्मे यूज़ कर रही हूँ। इट्स अप टू योर विश कि आप कौन सा अप्लाई करोगे। सो या इसको मैं लाइटली अप्लाई करती हूँ। I'm leaving these parts because I'm not going to apply any contour, so I'm leaving these parts. And now I'm using brush because थोड़ा अच्छा यू नो ब्रश यूज़ करने से ऑल ओवर अच्छा से लाइक मैं अप्लाई कर सकूँगी। सो आई एम यूजिंग ब्रश।
कर लिया है ब्रश के साथ। सो मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप है, सो अभी मेरा नेक्स्ट है लिपस्टिक। विदाउट लिपस्टिक एवरीथिंग इज लाइक इनकम्प्लीट, लाइक फॉर गर्ल लिपस्टिक इज वेरी नेसेसरी राइट। सो आई एम अप्लाइंग मैक लिपस्टिक। सो मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है एंड यू कैन सी द डिफरेंस, बट ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ रेड, ताकि रेड अप्लाई करने के बाद एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ ब्राउन, सो दैट इट विल टर्न इनटू न्यू कलर। ये स्मॉल टिप है मेरे तरफ से। अगर लाइक इफ यू वांट टू ट्राई डिफरेंट लिपस्टिक्स, जस्ट ट्राई विथ टू और थ्री मर्च, लाइक एक लगाओ, लाइक यू कैन सी दैट बर्गंडी कलर अप्लाई की हूँ एंड इसके ऊपर मैं अभी रेड एंड ब्राउन अप्लाई करूँगी, सो यू कैन फाइंड द डिफरेंस। तो मैंने बर्गंडी कलर अप्लाई किया है, उसके ऊपर मैं रेड अप्लाई की हूँ एंड ऑल्सो ब्राउन अप्लाई की हूँ एंड आई थिंक यू कैन फाइंड द डिफरेंस राइट। एंड सो मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप है कि सबसे 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 मेरा फेवरेट है, वो है हाइलाइटर। ये मुझे बहुत पसंद है हाइलाइटर, सो मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ एंड आई थिंक फॉर बेसिक लुक ऑल्सो वी नीड आईलाइनर, बट आजकल मैं उतना प्रिफर नहीं कर रही हूँ आईलाइनर। इंस्टेड ऑफ आईलाइनर आई यूज टू पुट लाइक मस्कारा और एल्स कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बट अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है लाइनर और एल्स मस्कारा कुछ भी लगाने का, बट आई विल थिंक इफ मुझे इंटरेस्ट लगेगा तो आई विल पुट आईलाइनर और एल्स आई विल स्किप इट। बट इफ आई एम डूइंग एनी ट्रेडिशनल वेयर, लाइक एनी ट्रेडिशनल वेयर लुक, दैन आई विल डेफिनेटली प्रिफर टू पुट लाइनर एंड बिकॉज लाइनर जो है आपको अट्रैक्टिवनेस बहुत बढ़ाता है। सो इट्स अप टू यू कि आप लाइनर लगाओगे कि नहीं एंड आप या लाइनर के बदले मस्कारा लगाओगे कि नहीं, इट्स अप टू यू। एंड सो आई एम थिंकिंग कि लगाओ कि नहीं, सो बट मैं अभी हाइलाइटर ज़रूर लगाऊंगी। सो हियर इज़ माई हाइलाइटर, सो मैं ये तो ज़रूर अप्लाई करूंगी। विदाउट दिस लाइक आई फील लाइक पूरा लुक पूरा इनकम्प्लीट है, सो आई विल अप्लाई इट विथ माई हैंड्स, सॉरी विथ माई फिंगर। सो सी यू कैन सी यू कैन फाइंड मेनी मोर कलर्स, बट आई जस्ट टेक एवरी कलर लाइक टैप टैप करके। अब देख सकते हो कि मैं कैसा ले रही हूँ, सो यस एंड आई एम गोइंग टू डू। एंड हियर आई एम टेकिंग दिस टू कलर्स एंड आई एम पुटिंग हियर। आई थिंक यू कैन फाइंड द डिफरेंस, इसलिए मुझे हाइलाइटर बहुत 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 पसंद है, मैं बहुत प्रिफर करती हूँ। एंड अभी आईब्रोज की बात करें तो आई एम टेकिंग दिस आईब्रो ब्रश एंड मेरे आईब्रोज अभी किए नहीं है एंड देन दिस साइड। एंड अभी मैं इस ब्रश के साथ आई प्रिफर टू टेक दिस कलर, यू कैन सी आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस कलर। सो यू कैन सी, सो आई एम गोइंग टू पुट योर एंड योर देन आई विल स्मर्ज इट वेरी वेल। यू नो आप अगर आईब्रो के नीचे लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका आईब्रो यू नो अच्छा से दिखेंगे, यू नो अपलिफ्ट जैसे किए हैं ऐसा लगेगा। सो आई एम अप्लाइंग हियर, सो या एंड लिटिल बिट मैं ले लेती हूँ ब्रश के साथ एंड डस्टिंग इट।
जस्ट जो बचा है यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज माई लुक। सो या मैंने अभी यहाँ पे लाइनर एंड मस्करा नहीं लगाया है। मैं ऑलरेडी बोली हूँ कि इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स अप टू यू। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई, बट यू नो वॉट, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है लाइनर और मस्करा लगाने का। सो मैं ये स्किप कर रही हूँ। सो आई जेन्युइनली प्रिफर कि अगर आप प्रिफर करते हैं तो प्लीज़ लगाइए। बट यही सेम लुक अगर मैं ट्रेडिशनल वेयर के लिए करती तो पक्का डेफिनेटली आई विल गो विथ लाइनर। येस लाइनर, बिकॉज लाइनर जो है आँखों का यू नो क्या बोलते हैं वो ब्यूटीनेस, वो चार्मिंगनेस बढ़ाता है। सो डेफिनेटली आई विल गो विथ लाइनर इफ आई एम वेयरिंग एनी ट्रेडिशनल वेयर। बट यू कैन सी आई एम नॉट वेयरिंग एनी ट्रेडिशनल वेयर एंड नाउ आई एम गोइंग टू शूट दिस सॉन्ग। For that my makeup is ready. So yeah, and also if you love this makeup please comment karo ki aapko pasand aaya ki nahi with basic tips. So yeah, I'm done with my makeup. I hope you can find the difference.